सेब का स्कैब रोग। यह रोग वेंचुरिया निक्वालिस नामक फफूंद द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग का आक्रमण सर्वप्रथम सेब की कोमल पत्तियों पर होता है। मार्च अप्रैल में इन पत्तियों की निचली सतह पर हल्के जैतूनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में भूरे तथा काले हो जाते हैं। बाद में इन पत्तों की ऊपरी सतह पर भी जैतूनी हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो अक्सर मखमली भूरे से काले रंग वाले तथा गोलाकार होते हैं। कभी कभी संक्रमित पत्तियां समय से पूर्व पीली पड़ जाती हैं तथा समय से पहले ही गिर जाती हैं। इस रोग के धब्बे फलों पर भी प्रकट होते हैं। फलों पर भी इसके धब्बे जैतूनी हरे रंग के धंसे हुए दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से फल विकृत हो जाता है और बाद में इन फलों पर दरारें पड़ जाती हैं। स्कैब का रोग चक्र व अनुकूल वातावरण। स्कैब की फफूंद अक्टूबर नवंबर माह में पतझड़ होने के बाद रोगग्रस्त पत्तियों पर पिन के सिरे से भी छोटे सीडोथीशिया के रूप में जीवित रहती हैं। मार्च अप्रैल में ये सीडोथीशिया परिपक्व होने लगते हैं व वर्षा की बौछारों द्वारा इनमें से एस्कोस्पोर बाहर निकल कर नई पत्तियों व फलों की पंखुड़ियों पर पहुँच कर स्कैब के जैतूनी काले धब्बे 9 से 17 दिन में पैदा करते हैं। धब्बों के उभरने के बाद इनमें भारी मात्रा में कुनिडिया बन जाते हैं। फल तुड़ान से पूर्व तक अपने स्थान से छूट कर दूसरी स्वस्थ पत्तियों व फलों पर पहुँच कर स्कैब के नए धब्बों को पैदा करते हैं। स्कैब रोग के नियंत्रण के लिए हमें हरी कली पर डोडीन 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव या हमें फ्लुक्सा पायरोक्साइड प्लस डाइफेनाजोल 60 ml प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। गुलाबी कली के दौरान हमें प्रोपिनेप 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या डाइफेनाजोल 30 ml प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। तो पंखुड़ी पात या जब सेब का आकार मटर जितना हो तो उस पर हमें हेक्साकोनाजोल 100 ml प्रति 200 लीटर पानी या माइकोब्यूटानिल 80 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या टेबिकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 80 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या टेबिकोनाजोल प्लस कैप्टान 500 ml प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। जब सेब का आकार अखरोट के दाने जितना हो तो उस पर हमें प्रोपिनेप का छिड़काव 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या डोडीन 150 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या मेटीराम प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन 300 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या टेबिकोनाजोल प्लस कैप्टान 500 ml प्रति 200 लीटर पानी या फ्लुक्सा पायरोक्साइड प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन 20 ml प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव के बाद हमें 20 दिन के बाद हमें इस पर प्रोपिनेप 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी या टेबिकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन 80 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। फल तुड़ान से 20 से 25 दिन पूर्व हमें मेटीराम प्लस पैराक्लोस्ट्रोबिन का छिड़काव 300 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से करना चाहिए। इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी पत्ते नीचे बगीचे में झड़ जाएँ तो उस पर हमें यूरिया का 10 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पत्ते जल्दी सड़ जाते हैं और इस फफूंद का अगले सीजन तक संक्रमण कम से कम होता है।